तो गाइस यहाँ पर जो कि अपने रेस में लैम्बोर्गिनी आ चुकी है भाई, मैं यह रेस जीत भी पाऊंगा? नहीं नहीं भाई, जीत जाएगी। लेट्स गो भाई, गाड़ी भगाते हैं भाई। लैम्बोर्गिनी भाई सब अपने को ओवरटेक करके आगे ना चले जाए, बट कोई ना हम लोग भी आगे जाएगा भाई, रेस जीत जाएंगे हम लोग। सब्सक्राइब कीजिए रोज गेमर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकॉन को भी कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आप लोग देख पाए लेटेस्ट ऐसे गेमिंग इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस। तो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ रोज गेमर। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023, और इसका गाइस न्यू अपडेट भी निकल के आ चुका है 6 अक्टूबर को, जिसमें कि बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें ऐड हुई है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जरा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बहुत सारी प्रीमियम कार्स, न्यू कार्स वगैरह ऐड हुई है, और सबसे मेन तो इसमें ड्रैग रेस भी ऐड करी गई है। तो भाई आज हम लोग ड्रैग रेस करके ही मतलब ज्यादा तक पैसे कमाने वाले हैं। बाकी चलो, अभी मेरे पास एक मतलब अच्छी गाड़ी तो नहीं है कुछ रेस वगैरह करने के लिए, और गेम का लुक तो पूरा एकदम चेंज सा ही हो गया है। तो अभी मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ कार मार्केट में, और कार मार्केट पहले से ओपन ही है, तो वहाँ से एकदम मस्त वाली कार उठाते हैं भाई। अपने पास अभी 93,000 मतलब अराउंडली $94,000 पड़े हुए हैं। और गाइस मैंने अभी एक चीज नोटिस की, इसमें कंटेनर भी ऐड हुआ है, जो कि पीसी वाले वर्जन में ऐड हुआ रखा है। मतलब भाई अभी हम लोग ऑफिस में सो नहीं सकते, बस अभी मैं कार मार्केट में तो आ चुका हूँ। मुझे एक अच्छी खासी सुपर टाइप कार देखनी है भाई, सुपर मिल जाए तो भाई मजे आ जाएगी। वैसे यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी हायर करना है भाई, कितना प्राइस है जरा इनको पूछते हैं। मैं पूछने में क्या जाएगा भाई, पागल है क्या तू? मतलब कि 43% डैमेज होने के बाद भी ये $5 करोड़ में ये गाड़ी बेच रहा है, मतलब ये सच्ची में भाई सटिया गया है। वैसे गाड़ी भी बहुत ही अलग लेवल की, और लेट्स गो भाई सुपरा मिल गई भाई, मेरे को सुपरा ही चाहिए थी मतलब। तो चलो अभी इनको पूछते हैं ये कितने की। वैसे डैमेज हो रखी है, 34% डैमेज है, $80,795 की दे रहा है भाई। देखते हैं और भी गाड़ियां देखते हैं, नहीं तो वही सुपरा उठाएंगे। वैसे मेरे को और तो कोई की कार नहीं दिख रही है यहाँ पर, जिससे कि मैं रेस कर पाऊँ। ये गाड़ियाँ लेके जाऊँगा तो पक्का मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा पता है ड्रैग रेस में होता क्या है। तो इससे अच्छा तो मैं सुपरा MK4 ही ले लेता हूँ। तो बार्गेनिंग करते हैं इसको, मैं बोलता हूँ कि 75,000 में दे दे, क्या पता ये बंदा मान जाए। तो लेट्स गो, 75 नहीं बोल रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट आगे पीछे नहीं सीधा 79 बोलता हूँ। 79 में तो मान ही जाएगा, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी डैमेज्ड है। तो लेट्स गो 79, ओके चलो भाई, अभी ये गाड़ी हम लोगों की हो चुकी है 79,000 में। अभी फटाफट इसको मेरे को लेके जाना है रिपेयर शॉप में, और वहाँ से इसको रिपेयर करवाएंगे, और फिर जाके मस्त एकदम ड्रैग रेस करवाएंगे। वैसे मेरे को नहीं, ये कलर इतना खास नहीं लग रहा है इस गाड़ी पे, तो मेरे मन का मैं कलर वगैरह मतलब टायर्स व्हील्स वगैरह जो कुछ भी है थोड़ा कस्टमाइज करूँगा मैं। और भाई साहब क्या ही ड्रिफ्ट मारी है यार, मैंने लिटरली भाई मज़ा ही आ गया ड्रिफ्ट मार के। वैसे इन लोगों का ये गराज वाला एरिया तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, और गेम में बहुत सारी भी न्यू चीज़ें ऐड हुई है, उसको भी मेरे को एक्सप्लोर करना ही है। बट सबसे पहले बेटा तो इसको रिपेयरिंग पे लगवा दे। तो ये रिपेयरिंग के ले रहा है 4,727। तो फटाफट इसको रिपेयर करवा दिया मैंने। और इसका कलर भाई, इसका कलर मेरे को कस्टमाइज कराना था, ब्लैक इतना मेरे को तगड़ा नहीं लग रहा है। तो इसका कलर है ना भाई, ये ऑरेंज वाला क्या ही लुक कर रहा है भाई। वैसे भी मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज ही है, तो ये वाला ऑरेंज बढ़िया लग रहा है इससे। तो ये वाले ऑरेंज को मैं कन्फर्म कर देता हूँ, और बाकी इसके व्हील्स जो कुछ है ना, इसको भी मैं अच्छे कोई ढंग के देख लेता हूँ। डन गाइस, ये वाले व्हील मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, क्योंकि सुपरा पे बहुत तगड़ा लुक दे रहा है भाई। ये व्हील से सुपरा और भी मतलब कूल लग रही है अपनी। और वैसे मैं इसका सस्पेंशन वगैरह जो कुछ है, इसका हाइट वगैरह भाई, ये तो ऐसे SUV बन जाएगी, बट इसको थोड़ा उठा के ही रखते हैं एकदम ही नीचे से, ऐसा नहीं है। उसके टायर भी कस्टमाइज कर सकते हो एंगल। तो मैं इसको एक कन्फर्म करता हूँ, और इसको हम लोग ओके कर देते हैं। और अभी लेट्स गो भाई, गाड़ी का लुक एकदम तगड़ा लगने वाला है। फटाफट गैराज के बाहर गाड़ी को मैं लेके चलता हूँ। भाई एक मेन चीज़, मैं अगर गाड़ी को अभी थोड़ा भी थूकूंगा तो भाई गाड़ी लिटरली डैमेज होगी, जो कि पहले नहीं होती थी, बट अभी गाड़ी भी डैमेज होने लग जाएगी। और बाकी क्या ही लुक लग रहा है यार भाई सुपरा का, लिटरली भाई मैं तो भाई पागल हो रहा हूँ एकदम, क्या ही तगड़ा लुक लग रहा है लिटरली। ओके गाइज, अभी पैसे थोड़े कम है, तो अभी मैं इसके जंकयार्ड में आ चुका हूँ। और इसके जंकयार्ड में ऐसा सीन है कि यहाँ पर जो भी लोकन विकन गिरा होगा ना, स्टील वगैरह, वही उठा के भाई इस नूबड़े को भेज दो, ये हम लोगों को पैसे देगा। मतलब ये इतना बड़ा बावड़ी पूछ है कि इसके इधर से सामान लूटो और इसको ही दे दो, ये खुद पैसे देगा। मतलब कि मेरे को ये बंदा एकदम पागल ही लगता है, पागल बंदा है बट काम का बंदा है। ये जो छोटे छोटे मैं स्टील वगैरह जो कुछ उठा रहा हूँ ना, ये सब मेरे को उठा के इसको दे देना, और भाई मतलब ये मेरे को पैसे दे देगा। तो चलो गाइज, अभी इसको बात करते हैं। और इसने देखो भाई जगह पे हम लोगों को $100 दे भी दिए, मतलब ये बंदा देता है यार $250, $200, $150 तो ऐसे ही दे देता है। बाकी मेरे को ड्रैग रेस कहाँ से करनी है वो भी पता है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था। बाकी ये कौन सी नई जगह आई है मेरे को पता नहीं, फॉर सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है भाई, ये मेरे को कॉमेंट्स में आप लोग बताओ। बाकी ड्रैग रेस करनी है तो फटाफट है ना, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोगों को ड्रैग पे दबाना रहता है, बट ये ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले तो इस ट्रेलर है ना, ये फैंटम है ना,
बड़ा। इसके ऊपर सबसे पहले तो जो गाड़ी से ड्रैग रेस करने वाले ना, तो वो गाड़ी को हम लोगों को चढ़ाना होता है, तो मैं तो सुप्रा से करने वाला हूँ। तो फटाफट सुप्रा को जो कि उसके ऊपर हम लोगों को मतलब लगा देते हैं। चलो भाई फुल स्पीड में गवाई, और भाई साहब ये गाड़ी ऊपर पहुंच गए, बट गाड़ी को थोड़ा सा जो कि गाड़ी से डैमेज हो गया। और भाई ये शाम भी अभी होनी थी, मतलब क्या ही यार, फर्स्ट ड्रैग रेस करने वाला था और इसमें भी शाम हो गई। तो अभी मेरे को फटाफट जाना पड़ेगा कंटेनर पे, क्योंकि ऑफिस में तो मैं सो ही नहीं सकता, ये न्यू अपडेट में आया है। तो फटाफट अभी टिकट का पैसा देके भाई कंटेनर चलते हैं और वहाँ पर जाके अपनी चैन की नींद सो के भाई सुबह हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं ड्रैग रेस करके। वैसे अभी मैं आ गया क्या, वेट, हाँ ये देखो सामने ये कंटेनर, भाई ये ग्लिच को ठीक करो, मैं कंटेनर के बाहर खड़े रह रह के भी सो सकता हूँ, मतलब ये क्या ही ग्लिच है गेम का। बाकी मेरी बात भी खत्म नहीं हुई, उतनी जल्दी सुबह हो गई। वैसे सुबह हो गई, सबको गुड मॉर्निंग एक बार, और फटाफट चलते हम लोग, गाड़ी उसे ट्रेलर पे ही होगी तो वहाँ पर जाके अभी मेरे को बैट लगानी है। और सबसे पहले तो मैं ज़्यादा महंगी बैट नहीं लगा हुआ कुछ, क्यों मतलब मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ड्रैग रेस मैंने कभी इसमें करी ही नहीं है। तो फटाफट ऑफिस चलते हैं और भाई छोटी मोटी बैट लगा के स्टार्टिंग में। ओके गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ फिर से मेरे ऑफिस के इधर, और ये रही अपनी टोयोटा सुप्रा। फटाफट ड्रैग रेस के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फर्स्ट बैट हम लोग लगाते हैं। बट वेट यार, यहाँ पर एक ज़्यादा ही बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम हुई कि नहीं मैं अभी तक समझा नहीं हूँ, बट मेरे को लग रहा है बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं यहाँ पर 7000 की जो कि बैट लगाता हूँ, नहीं नहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं यार, हुई है मेरे पास मतलब अभी $2000 ही है। और जो फर्स्ट बैट भी हम लोग मिनिमम लगा सकते हैं वो $5000 की ही लगा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा 80000 की लगा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। और एक बहुत बड़ी गलत सीन हो गया, मेरे पास $2000 है। तो अभी मैं नेवर रोड आया हूँ, फिलहाल तो कोई टट्टी सी गाड़ी उठा के उसको बेच सकते हैं, पर 2-3 हज़ार में तो एक गाड़ी भी नहीं मिलने वाली है। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे को गाड़ी देखने दो, अगर मिल गई तो नसीब, नहीं तो भाई अपनी टोयोटा सुप्रा को ही मेरे को बेचना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद भी मेरे को एक सस्ती सी 3000 भाई 1500-2000 की डॉलर्स की भी एक कार नहीं मिली। सब $8000 से स्टार्टिंग है हर एक कार, तो मेरे को एक भी कार नहीं मिल पाई। तो इसीलिए इस बात को लेके मैं फिर से आ चुका हूँ अपने ऑफिस पर। तो ना गाइस अभी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो अभी मेरे को जो मेरी टोयोटा सुप्रा है ना, इसको ही बेच के मतलब पैसे कमाने पड़ेंगे। पर भाई मैंने बहुत खुशी से इसको मतलब एकदम कस्टमाइज कराया था, बट कोई नहीं भाई, इसको एकदम अच्छे दाम में बेचेंगे। डैमेज भी नहीं है कार, 2% ही डैमेज है। हम लोगों ने जब ऊपर चढ़वाई थी तभी डैमेज हुई थी, बाकी मैं फटाफट इसको नीचे उतारता हूँ। और भाई मैं क्या ही नीचे उतार रहा हूँ, और डैमेज हो जाएगी इसके बम्पर विम्पर। वैसे हाँ चलो गाइस, अभी इसको मेरे को सेल पे लगाना है, इसको अच्छे दाम में बेच कर मुझको एक अच्छी खासी गाड़ी लेनी है और फिर उससे ड्रैग रेस करनी है। और हाँ, जब भी मैं कोई अच्छी कार लूँ तो मेरे को इतना ध्यान रखना है, मेरे पास जब उसको सब कुछ कराने के बाद भी मेरे पास 6 या $5000 तो बचने ही चाहिए, क्योंकि जो कार की बैट लगती है ना वो स्टार्टिंग में $5000 से ही मिनिमम होती है, तो वो लगती है। बाकी मैं भी मेरे टैबलेट से सब काम करता हूँ, तुम्हारा भाई नूबड़ा नहीं है जो कंप्यूटर पे जाके काम करेगा। तो इसका प्राइस है ना भाई, मैं $1.5 लाख डालने वाला हूँ, क्योंकि कार की कंडीशन बहुत ही तगड़ी है। $1.5 लाख की तो कोई गधा भी नहीं लेने वाला, वैसे भाई $1,90,000 में तो ले ही लेगी। तो चलो भाई फटाफट कस्टमर्स आ जाओ, भाई कब से वेट कर रहा हूँ, कस्टमर्स ही नहीं आ रहे भाई, क्या चल रहा है भाई। ये सुप्रा को कुछ ज़्यादा ही प्राइस में तो नहीं डाला ना मैंने, वैसे भाई को थोड़े देर और वेट कर लेते हैं, क्या पता फर्स्ट कस्टमर आती गाड़ी ले ले, वैसे कस्टमर आ गया। लेट्स गो बातचीत करते हैं कितने के लेके। $89,000 भाई, बुरा नहीं दे रहा बंदा। तो एक बारी ना मैं इसको $1,00,000 डाल के देख लेता हूँ, पता नहीं भाई ले देता है कोई कोई तो भाई। लेट्स गो भाई, ले ली क्या, अबे भाई मजे आ गए, $1,00,000 में सच्ची में ले ली उसने। तो ना भाई अभी मैं भाग दौड़ के जाने वाला हूँ, सबसे पहले भाई ऑफिस क्लोज कर लेते हैं अंदर। भाई अपना पीसी मॉनिटर रखा हुआ है, कोई उठा के लेके जाए तो और कंगाली हो जाए। वैसे हाँ अभी मैं जाने वाला हूँ फटाफट अपने कार ऑक्शन में, क्योंकि भाई देखते हैं कि वहां पर भी कोई ढंग की कार वैसे भी कोई आई है या फिर नहीं। तो भाई मैं मेरे भाई पैसे कटवा के कार ऑक्शन पे तो आ गया, बट मेरे को यहाँ पर एक बंदा भी नहीं दिख रहा भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बंदा तो दिख रहा है। वैसे मैं इसे टिकट ले लेता हूँ। यू कैन स्किप टाइम बिफोर देन ऑक्शन, भाई स्किप कर रहा हूँ भाई, हो ही नहीं रहा स्किप। भाई पागल हो गया तुम लोग, भाई ऑक्शन ही चालू नहीं है, बंदा भी हवा में बैठा हुआ है। भाई ये क्या ग्लिच है भाई गेम का, चेयर वेयर तो लगाओ भाई नीचे, वैसे एक भी गाड़ी नहीं आई है। भाई मेरे पैसे कट गए भाई टिकट के। वैसे हाँ अभी मेरे को ना कार मार्केट में जाना होगा, बट कार मार्केट तो बंद है, तो एक काम करता हूँ मैं सीधा कंटेनर चलता हूँ और दोपहर की भी नींद मार लेते हैं, क्योंकि हम लोग सो जाएंगे ना तो कार मार्केट तो खुली जाना है। देन गाइज मैं सो के जो कि उठ चुका हूँ, फटाफट कंटेनर का डोर मैंने बंद करा और यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है कार मार्केट इज ओपन। तो कार मार्केट ओपन है, फटाफट भाग भाग के चलते हैं कार मार्केट में और देखते कि भाई कोई बजट की अच्छी खासी कार आई हुई है या फिर नहीं। ओ भाई साहब मतलब तगड़ी तगड़ी गाड़ियां तो यहाँ पर आ चुकी है, और सुप्रा MK4 भी आई हुई है रिटर्न, और मक्लेरन भी आई है। भाई साहब मक्लेरन को पूछूंगा सबसे पहले तो मैं, बट और भी ढंग की कार, लैम्बोर्गिनी, मक्लेरन, भाई सुप्रा सब आ चुकी है। तो मक्लेरन, अबे भाई 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 मक्लेरन बहुत ज़्यादा बजट की है, ये मक्लेरन P1 है, 41% डैमेज होने के बाद भी बहुत ज़्यादा महंगी है। वैसे लैम्बोर्गिनी भी है, लैम्बोर्गिनी भाई तुम तो
तो भाई बात ही मत करो यहाँ पर, मतलब तुमको जूते खाने सिर्फ, मतलब इतनी महंगी गाड़ी कौन देता है, वैसे टेस्ला भी है पर टेस्ला, अबे पागल हो गए तुम लोग, इतनी महंगी दे रहे हो टेस्ला भी। तो ना अभी मुझे क्या लग रहा है कि मेरे फायदे में सिर्फ एक ही डील होने वाली है, वो है सुप्रा MK4 की, और भाई 45,000 में दे रहा है क्योंकि गाड़ी सिर्फ 43% डैमेज्ड है, तो भाई तू 42,000 में दे दे भाई। भाई नहीं क्या भाई नहीं, अबे सच्ची में दे दी बंदे ने? नहीं भाई उसने 42 में नहीं दी, मैंने उतने के उतने प्राइस में बाय कर ली। बाकी हटो भाई, इन लोगों को शर्म मेरा है कि नहीं, मैं गाड़ी ठोक के जाते तो भी उधर ही खड़े रहते हैं। बाकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में तो है ही, बस 45% डैमेज्ड है, तो इसको मैं रिपेयर करवाऊंगा और ज़्यादा खर्चा नहीं करना है क्योंकि भाई पैसे कम पड़ गए, तो भाई इसको ही बेचना पड़ रहा था मेरे को। बाकी ये गाड़ी भी बहुत अच्छे से चल रही है कंट्रोलिंग में। डन भाई, फटाफट गाड़ी से उतरते और भाई फटाफट भाई वही चूरन उधर किधर देख रहा है, गाड़ी को रिपेयर कर दे। 5,900 के ऊपर पैसे लग गए, 6,000 ऐसे रिपेयरिंग में चले गए। बाकी मैं कलर तो भाई करने ही वाला क्योंकि भाई ये कलर मेरे को बहुत पसंद लगता है। बाकी टायर बियर गए भाई भाड़ में, मैंने कलर तो मेरा फेवरेट वाला कर लिया, ऑरेंज वाला। अभी फटाफट इस गाड़ी को भी मैं ट्रेलर के ऊपर रखता हूँ क्योंकि भाई अपने पास मतलब बहुत सारे पैसे अभी भी बच रखे हैं, तो भाई मैं ज़्यादा भी लंबी बैट नहीं लगाने वाला हूँ, वो तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितने की बैट लगाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं गाड़ी को इसे ट्रेलर के ऊपर, भाई साहब यहाँ पर डैमेज जो हो जाती है ना गाड़ी, मतलब ये इन लोगों ने सिस्टम कर रखा है ना, तो भाई इसमें डैमेज नहीं होना चाहिए था सिर्फ ट्रेलर के ऊपर चढ़वाते समय, बाकी टाइम होगा तो भाई चलता है। तो चलो भाई 3, 2, 1 लेट्स गो, गाड़ी को भगाते और ये ट्रेलर के ऊपर गाड़ी भाई चढ़ गई। फटाफट इसको फिक्स करता हूँ यहाँ पर मैं, और गाड़ी से अभी उतरते हैं और फटाफट जो कि गाड़ी की भाई देख रहे हो कितनी डैमेज हो गई, मतलब कैसी लग रही है, देखता भाई कितने परसेंट डैमेज हुई है आखिरकार अपनी गाड़ी, सिर्फ वो 1% हुई है और इतनी खराब दिखा रहा है। पर चलो अभी फटाफट गाड़ी को जो कि रैग रेस में उतारते हैं और गाड़ी के ऊपर मैं बैट लगाने वाला हूँ पूरे के पूरे 5,000 की। फटाफट जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ना 5,000 की उसके ही लगाते हैं, और अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और लेट्स गो भाई, अपनी जो कि कार रेस मतलब जो ड्रैग रेस न्यू आया है वो भाई क्या ही कूल लगता है भाई, मतलब देख रहे हो ग्राफिक्स भी एकदम, बट भाई गाड़ी हम लोगों की 1% डैमेज है तो गाड़ी का जो लुक है थोड़ा खराब लग रहा है। लेट्स गो, 1 ओपे हो गया और यहाँ पे स्टार्ट गियर अप मैंने कर दिया, और गाड़ी कौन सी थी भाई रेस में भाई, एक सेकेंड भाई मजाक हो रहा है मेरे लिए, मेरी गाड़ी तो दौड़ती हुई चली भी गई और उसने तो अभी मतलब इंजन स्टार्ट ही करा था, और हम लोग जो कि गाइज शायद से अभी फटाफट रेस जीत ही जाने वाले हैं, और लेट्स गो भाई जीत गया भाई, मजाक था एक, मतलब मेरे गाड़ी ने 14.26 सेकेंड मतलब यहाँ तक आने में लगा दिया, और सामने वाली जो गाड़ी थी उसने 17.59 मतलब अराउंड 18 सेकेंड कर दिया। मैंने एक और नेक्स्ट दबा के फिर से रेस लगा ली, बट रेस में लैम्बोर्गिनी किसने भेजी भाई, मतलब भाई साहब 5,000 के बेट में भी लैम्बोर्गिनी थोड़ी आती है। मैंने नेक्स्ट क्या कर दिया, लैम्बोर्गिनी को लेके आया, 5,000 जीता तो वो मैं पक्का हारने वाला हूँ, गियर अप में जितना भी करूँगा, बट इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट सुप्रा से तो भाई मतलब लैम्बोर्गिनी की ही ज़्यादा है, देख रहे हो कैसे एकदम चटका देके भाई आगे चली गई गाड़ी, बट तुम्हारा भाई हिम्मत नहीं हारेगा, मैं गियर अप करके रखूंगा, क्या पता भाई अपनी गाड़ी भी भाई बटन नहीं यार, हम लोग हार गए इस बारी भाई साहब, मतलब हम लोगों को 14.39 सेकंड्स लगे और लैम्बोर्गिनी को 13.23, मतलब 1 सेकंड का डिस्टेंस की वजह से हम लोग हार गए, नहीं तो भाई हम लोग ये बैट जीत जाते थे, बट तुम्हारा भाई एकदम भाई हार गया तो इतना मतलब मान नहीं लेगा कि भाई हार जाएंगे। इस बारी मैंने फिर से नेक्स्ट दबाया और इस बारी फिर से वही नूबड़ी गाड़ी आई है, तो मतलब 5,000 इस बारी हमारे ही होके रहे, बट पता नहीं इसने बूस्ट विश लगवा लगा हो तो भाई ये जीत जाएगा। वैसे स्टार्ट कर दिया भाई टाटा भाई, वो गाड़ी को टाटा कर दिया, वो बंदा इंजन चालू करते रहता और तब तक तो भाई हम लोग भाई जीत गए, रेस ही जीत गए, मतलब मजे ही आ जाते हैं, ऐसी गाड़ी बार बार आ गई तो मैं तो भाई ड्रैग रेस से भाई करोड़ों भाई लाखों डॉलर्स कमा लूंगा ऐसे ही। तो चलो भाई जीत गई ये रेस भी हम लोग, और इस बारी ना मैं 14.53 सेकंड्स में आया और सामने वाली गाड़ी भाई 17.60 सेकंड्स में आई है। मैंने फिर से नेक्स्ट दबा दिया है और इस बारी कौन सी गाड़ी आई है, BMW ऑडी कौन सी तो आई है, बट देखते हैं जब आगे से फ्रंट लुक दिखेगा तभी पता चलेगा, ये शायद से BMW ही है या फिर वेल्सवैगन है, जो भी है, बट तुम्हारा भाई हारने। अबे भाई 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 वीडियो गाड़ी बहुत तेज निकली, अबे एक सेकंड भाई मजाक ले रहे थे गाड़ी को मैं, बट ये गाड़ी तो भाग गई भाई आगे, भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी गाड़ी थी, मेरे को यही लेके आनी चाहिए थी, बट भाई वो गाड़ी तो दूर तक उधर मतलब दिखाई नहीं दे रही, और वो गाड़ी जीत गई यार, मैं 5,000 हार रहा हूँ जीत रहा हूँ हार रहा हूँ जीत रहा हूँ, इससे अच्छा कि मैं फिर से नेक्स्ट करूँ और भाई जीत ही जाऊँ एकदम। पर अभी तुम्हारे भाई का लॉस तो थोड़ा सा हुआ है, पर इस बार ही तुम्हारा भाई है ना ऐसी ड्रैग रेस लगाएगा ना कि भाई एकदम फायदा ही होने वाला है, मतलब प्रॉफिट में जाने वाला है। इस बार मैंने 5,000 की लगाई थी, बट इस बार 10,000 मतलब 5,000 डबल करने वाला हूँ, तो 10,000 की बैट लगा रहे क्योंकि $54,000 अभी पड़े हैं। तो लेट्स गो, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है और फर्स्ट रेस में ही कौन सी गाड़ी भाई, मक्लेरन अबे लॉस नहीं भाई, प्लीज 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 भाई 10,000 में इतनी तगड़ी गाड़ी ला रहे, मक्लेरन P1 ला दी, मतलब कि भाई मेरे को मारो यार तुम लोग सच्ची में भाई, ये क्या सीन चल रहा है, मतलब ये गाड़ी तो भाई एकदम भाई तूफान जैसे तोड़ेगी, बट नहीं 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 हम लोग आगे, बट नहीं यार वो गाड़ी ओवरटेक
करके भी आगे चली जाती है, क्योंकि सुपरा इतनी पावरफुल नहीं है यार। रियल लाइफ की बात अलग है, बट गेम पे भाई लोगों ने भाई एकदम बवाल चीज कर दी इसमें। भाई अभी देखते हैं मैं कितने सेकंड्स में पहुंचा। जो मक्लारेन है वो 13.17 में, और हम लोग फिर से एक मतलब सेकंड का ही डिस्टेंस हुआ। बाकी मैं फिर से नेक्स्ट करने वाला हूँ, क्योंकि क्या पता भाई एसयूवी कार आ जाओ। लेट्स गो भाई, जी वैगन आई है ना। हाँ भाई मर्सिडीज जी वैगन आई है भाई। इसकी स्पीड तो दूर दूर तक हम लोगों की स्पीड के बहुत ज्यादा कम होने वाली। नहीं मर्सिडीज जी वैगन थोड़ी यार, वे जीप जैसी कोई तो कार है। छोड़ो भाई महिंद्रा थार या फिर जीप जैसी कोई भी कार हो, रेस स्टार्ट हो चुकी है और ये गाड़ी तो भाई पक्का हम लोग ही जीतने वाले थे, क्योंकि ना भाई ये एक ऐसी भी कार है जो कि इसकी स्पीड भी बहुत कम है। तो भाई सुपरा तो इसको ऐसे ही फाड़ देंगे, मतलब ऐसे ही जीत जाएंगे। और 10,000 जो कि अपने फिर से अपने पास आते हुए दिखाई दे रहे मुझको, तो मैं फिर से नेक्स्ट ही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को और भी पैसे कमाने हैं ना भाई। और भाई मैंने फिर से नेक्स्ट दबा दिया और फिर से वही कार आ गई। यहाँ तक उसका भाई आया शायद से जुड़वा। तो भाई ये रेस भी तुम्हारा भाई जीतने वाला है, मतलब मजा है। तो भाई इसको मैं स्किप ही कर देता हूँ। तो कि यह मतलब इस बारी आई है मर्सिडीज जी वैगन भाई। पता नहीं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया लगती है, बट क्या इसकी स्पीड हम लोगों को हरा सकती है भाई। मैंने गियर अप दबा दिया और भाई एकदम भाई मक्खन की जैसे अपनी गाड़ी जो दौड़ रही है। बट भाई मक्लारेन लैम्बोर्गिनी के सामने तो भाई एकदम भाई कॉकरोच बन गई थी, क्योंकि उनकी स्पीड यहाँ तक बहुत ज़्यादा ही दिखाई है गेम में भी। वैसे है ही वैसे, चलो भाई रेस जीत गया तुम्हारा भाई, 3-4 रेस लगातार जीत रहा है। वैसे हम लोग 14 सेकंड्स में कुछ आया, मैंने फिर से रेस पे दबा दिया नेक्स्ट करके। और अभी इस बारी मैं तो पागल ही हो चुका हूँ ड्रैग रेस में, लिटरली मजा आ रहा है एकदम खेलने में, पैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार ये कौन सी आई है, टोयोटा की वर्सेस टोयोटा वर्सेस टोयोटा हो रही है भाई। पर ये सुपर कार है और वो ऐसी, अबे भाई आगे भाग गए, वेट वेट वेट, अबे भाई सब अपनी गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया क्या भाई, इसमें पेट्रोल पंप भी आया है, क्योंकि भाई गियर अप कर रहा हूँ गियर अप ही नहीं हो रही है गाड़ी को, गियर डाउन गियर अप कुछ भी नहीं हो रही है। मतलब लगातार 4-4 रेसेस जीत चुका हूं और अभी जाके ये गाड़ी पे गियर अप आया और गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अब मैं चल रही है भाई। मतलब ये क्या कर दिया यार तूने, बट मैं ये रेस तो हारने वाला हूँ गाइस, क्योंकि ना वो वाली जो एसयूवी टोयोटा की है वो मतलब पार ही कर चुकी होगी रेस ट्रैक, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेट ही गियर अप करा, वो ही नहीं रहा था, तो मेरी क्या गलती। वैसे मैंने फिर से जो कि गाइस अभी यहाँ से बैक कर लिया है, और अभी हम लोगों ने यहाँ से कितना प्रॉफिट करा था, अपने पास 54,000 थे, तो 50 में और 3 मतलब कि हम लोगों ने यहाँ से 30,000 डॉलर्स के ऊपर का प्रॉफिट करा है। मतलब कि भाई ड्रैग रेस जो आई है से तो बढ़िया ही हुआ है हम लोगों के लिए, क्योंकि ना भाई मेरे पास 84,000 डॉलर्स के ऊपर पैसे हो गए। इसी बात में ना भाई अपनी टोयोटा सुपरा है ना, 2% डैमेज थी तो मैंने इसको रिपेयर करवा लिया भाई। अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा खर्च वेरच लगता है एकदम स्क्रैच सा, तो भाई बढ़िया लुक नहीं रहता है। बाकी अभी इस गाड़ी को लेके जाके मैं बेचने के लिए लगाने वाला हूँ, क्योंकि ना भाई सुपरा है तो बढ़िया, बट इसके सामने लैम्बोर्गिनी मैक्लारेन वगैरह आ जाती है तो फिर ये किसी काम की नहीं रहती है, तो भाई इसीलिए मेरा प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अभी सारे गाड़ियों को अच्छी अच्छी बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद एक लैम्बोर्गिनी या फिर मैक्लारेन लेने वाला हूँ। वैसे मैं इसका प्राइस डालने वाला हूँ 1,00,000 डॉलर। तो अगर भाई मतलब ये गाड़ी का कंडीशन भी अच्छा है और अगर किसी ने 1,00,000 डॉलर्स में ले भी लेना, तो फिर मेरे पास हो जाएगी 1,00,000 डॉलर्स 83,000, मतलब 1,00,000 डॉलर्स 84,000 अराउंड मेरे पास पैसे हो जाने वाले हैं। तो भाई फटाफट भाई कस्टमर आ जाओ, मैं बंदरों के जैसे पुदक रहा हूँ यहाँ पर। और ये एकदम मस्त ऑरेंज कलर की सुपरा को जो कि गाइस फटाफट लेके जाओ क्लाइंट इन ऑफिस। ओके ओके ओके, कस्टमर आया भाई एकदम, भाई गाड़ी कैसे लगी, बढ़िया ही लगी, खुश लग रहा है, 83,000 बोल रहा है, डील बुरी नहीं है, बट बेटा तू पहले फुर्सत में निकल ले, क्योंकि इतने कम में थोड़ी बेचने वाला हूँ मैं। कोई 90,000 भी बोल दिया ना तो भाई उसको मैं बार्गेनिंग करके 1,00,000 डॉलर्स तो ले ही जा सकता हूँ। चलो यहाँ पर एक आंटी आ चुकी है जो कि वो तो अमीर घर की लग रही है, शायद से ये 1,00,000 डॉलर्स में ही ले लेगी। बट अबे इसकी भैंस की 82,000 भाई, तू तो पहले निकल, मतलब कपड़े ऐसे पहन के आई है, मैं तो अमीर ही समझ गया इसको, ये तो उससे भी गरीब निकली। वैसे हाँ यहाँ पर ये हथौड़े वाला ऑप्शन क्यों है भाई, मेरे को कमेंट्स में बताओ, हर टाइम मैं देखता हूँ ये हथौड़े वाला ऑप्शन यहाँ पर, ये क्या है स्किल्स होगी, तो मैं मेरी स्किल्स भी मतलब ये कर सकता हूँ बार्गेनिंग वगैरह की। और बाकी यहाँ पर अपना टैबलेट और नीचे वो ड्रिंक वाला ऑप्शन है, उसको सबको छोड़ो। बाकी मैं स्किल को कौन से ले सकता हूँ, ये गराज है कोई तो। और वेट वेट वेट, कस्टमर आया भाई, पहले कस्टमर, हेलो भाई कैसे हो भाई, 84,000 भाई कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है, बट इससे मैं बार्गेनिंग करवाता हूँ और उसको बोल देता हूँ 92,000 भाई, ले रहा है तो ले या फिर निकल ले, तो इसको 92 बोलूँ, ओके अबे नहीं बोल रहा है 92, तो एक काम करते हैं बेटा, तो सुन तू है ना इसको ना 86,000 नगद में 1 रुपया कम करके
मतलब 87,000 में मेरी गाड़ी बेच दी और अभी मेरे पास 170,000 डॉलर्स हो चुके हैं। अभी मैं कुछ और दो एक दो गाड़ी बेच के 200,000 डॉलर्स अराउंड पूरे कमा लेता हूँ। और हाँ, मेरे पास शायद से इतने एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं इससे कुछ ले सकूँ। ये गराज 2 है, गराज 1 है, बार्गेनिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इसका भी मेरे को कमेंट्स में थोड़े टिप्स देना। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ नेबर रोड नहीं, यहाँ तक मैं विलेज जाऊँगा या फिर कार मार्केट जाऊँगा। गाइस, कार मार्केट आते ही मेरे को यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन में BMW दिख चुकी है। BMW के कौन से मॉडल है भाई, देखते हैं जरा। BMW E60 है, उसका कंडीशन भी इतना कुछ खराब नहीं है, 37% डैमेज्ड है और रेट भी अच्छा है। MRP मतलब जो कि है ना अच्छी दे रही है, तो 25,000 में है जो अपनी। अबे भाई नहीं है भाई, ये सच्ची में 25,000 नहीं, चल तेरा ना मेरा 26,000 में, ऊपर के $700 मैंने कम करवा लिया है। बाकी गाड़ी को मैं टो करवा के अपने जो ऑफिस के इधर भेज देता हूँ और यहाँ से मैं एक और कोई तो बढ़िया सी गाड़ी ले लेता हूँ। मतलब कि कब से ढंग की गाड़ी ढूंढने में लगा हुआ, एक गाड़ी नहीं मिली है चार में, मतलब $8,000 की वगैरह गाड़ी मिल रही है। पर ये टोयोटा की जिसने हम लोगों को हराया था, टोयोटा के रोल है, $20,000 की दे रहा है ये बंदा, तो इसको मैं 15,000 डॉलर स्टार्टिंग में बोलते हैं क्या बता देते। बट नहीं यार, 42% डैमेज भी है वैसे भी कार, तो इसको ना $18,000 बोलते हैं। 18,000 में देखा, भाई नहीं यार, ये बुड्ढा तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी निकला बेटा, $19,000 लास्ट बोल रहा हूँ। अभी नहीं देगा यार, छोड़ो गाड़ी को मैं ऐसे ही बाय कर लेता हूँ। वैसे भी ये गाड़ी को मैं अभी टो करवाने वाला हूँ, टो करवाओ या लेके जाओ, वैसे टो करवा दिया है क्योंकि ना मैं अभी एक और अच्छी खासी गाड़ी लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास 1,24,000 अभी भी पड़े हुए हैं। तो एक आध 20-30,000 डॉलर्स की गाड़ी उठा के तीनों को बेच देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ही पैसे आने वाले हम लोगों के पास। चलो गाइस, यहाँ पर ये मस्त गाड़ी लग रही है, मर्सिडीज है शायद से, भाई मर्सिडीज तो मैं लूँगा, मर्सिडीज C63। बट नहीं यार, यहाँ पर रात हो गई और शायद से अभी मैं गाड़ी नहीं ले सकता। वेट, यहाँ पर मैं 40,000 डालता हूँ, भाई मैं ले लूँगा यार, मेरे को दे दे। बट नहीं, अभी जैसे मैं क्रॉस दबाऊंगा, एक्स बाय या फिर कुछ भी दबाऊंगा, गाड़ी सीधा यहाँ से गायब है। तो मैं भी अभी यहाँ से चलता हूँ कंटेनर पे और वहाँ पर जाके एक जप्पी मार के फिर सुबह उठ के वो गाड़ी को रिपेयर करके बेचने में भी तो लगाना है। गुड मॉर्निंग गाइज, कंटेनर से मैं सो के उठ चुका, एकदम चैन की नींद आती है लिटरली। इस कंटेनर में बिल्कुल भी मच्छर विच्छर कुछ भी नहीं काटता भाई, एकदम ऐश आराम में AC लगी हुई रहती है, मजा आ जाता है। वैसे अभी मैं फिर से आ चुका हूँ गाइज मेरे ऑफिस के यहाँ पर, ताकि मैं जो दो गाड़ियाँ लिया हूँ ना, BMW लिया हूँ और एक कौन सी लो, गाड़ी ऐसी कौन टो करवाता है भाई, लिटरली एक टोयोटा के ऊपर ये BMW देख रहे हो कैसे सो रही है। वैसे मैं फिर से इसको टो क्यों करवा रहा हूँ, पैसे कट रहे मेरे, मेरे को गाड़ी के अंदर बैठना और गाड़ी को फटाफट रिपेयर शॉप में लेके जाके रिपेयर करवाना है। गाड़ी की कंडीशन बहुत खराब लग रही है ना, मतलब देखने में भी। तो चलो गाइस फटाफट, जो कि हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और भाई साहब चलो फटाफट गाड़ी को रिपेयर कर दो। $2,841 रिपेयर में गए और बाकी मैं इसमें कुछ भी कस्टमाइज नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी है ना हम लोगों की पर्सनल नहीं है भाई, मैं इसको बेचने वाला हूँ। पीछे भाई कितने ज्यादा एक बढ़िया वाले एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं और गाड़ी की साउंड और ड्रिफ्ट तो भाई अलग ही मजा दिलाती है। फटाफट इस गाड़ी को मैं फिर, अबे भाई साहब ने यार, मैंने ये गलत सीन करा, मैंने मतलब गाड़ी को ठोक ही दिया भाई ड्रिफ्ट के कर में और गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो गई। कितने परसेंट डैमेज हुई, अबे यार मैं टो क्यों करवा रहा हूँ इसको, लिटरली मतलब कंट्रोलिंग ही मैं भूल रहा हूँ। वैसे चलो इस गाड़ी को फिर से रिपेयर करवाओ भाई। डन, तो इस गाड़ी को मैंने फिर से रिपेयर करवा लिया है, 24% डैमेज हो गई थी गाड़ी, तो अब इसको एकदम संभाल के भाई मैं अपने ऑफिस के इधर पार्क करने वाला हूँ और भाई बिल्कुल भी ऐसे ड्रिफ्ट नहीं मारने मेरे को। तो ओके, तो इस प्यार से गाड़ी को मैंने यहाँ से प्यार पे पार्क कर दिया और फटाफट अभी टोयोटा की जो गाड़ी है ना, इसको भी हम लोग लेके चलते हैं रिपेयर शॉप में और इसको भी मैं अभी रिपेयर करवाने वाला हूँ। ओके, तो टोयोटा की भी जो कार है इसको मैंने रिपेयर करवा तो दिया है। फटाफट ऑफिस को करते हैं ओपन। अबे ओपन क्यों नहीं हुआ, वेट लॉक भी लगा दिया क्या? नहीं, ओपन हो चुका है ऑफिस। फटाफट टैबलेट को ओपन करते हैं और दोनों की कार को भी बेचने पे लगा देते हैं। सबसे पहले हुई 26,000 की, तो इसको मैं लगाने वाला हूँ 45 ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाते हैं और इसको मैं रखूँगा 52,000 का। और वैसे नहीं, मैंने अभी तो भाई गाड़ी को सेल भी नहीं लगाया और कस्टमर को देगा मैंने, तो चलो इसको मैंने 53,000 में कन्फर्म कर लिया है। और जो मैंने टोयोटा की ली है ना कैरेलो, तो इसको मैं लगाता हूँ टोटल कितने में बेचते गाइस इसको, तो इसको ना भाई कितने में बेचूँ यार, मैं सोच रहा हूँ, वेट इसको बेचते हम लोग है ना 47,000 में, तो देखते हैं भाई गाड़ी अभी बेची जाती है या फिर नहीं। वैसे एक कस्टमर गया था अंदर, ये कौन सी गाड़ी लेके आया भाई ये बेचने है, भाई जो अभी मैं बेच रहा हूँ वही गाड़ी बेचने के लिए लाया, उसकी भी कंडीशन खराब है और कस्टमर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए भाई, 39,000 दे रहे भाई। रुको रुको बेटा, ये मैम साहब से बात करते
बात है 31,000 दे रही है भाई, बुरा प्राइस नहीं है, बट तू निकल ले बेटा यहाँ से। और तेरे से भाई अभी दूसरा और कस्टमर से बात करते हैं। और भाई तू मेरे ऑफिस में कहाँ पर टेबल पे क्यों बैठा है, फिर तू सोफा रखा इतना बड़ा, 20,000 बोल रहा है बेटा, तू निकल यहाँ से भाई। हाँ नहीं तो एक तो गाड़ी लाया हूँ ऊपर से और बोल रहा है, और यहाँ पर ओके यहाँ पर एक और, बट वो कोट वाले कस्टमर से मतलब सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि भाई ये अमीर वाला लग रहा है, तो ये 39,000 बोल रहा है, तो इसको मैं बार्गेनिंग करा के ना भाई थोड़ा बाटली में उतार लेता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं 45,000 और लेट्स गो भाई, इसको बेच दी। और अभी इस वाले को भी थोड़ा पागल पिगल बना के इसको भी थोड़ा मतलब बार्गेनिंग करके बेच देते हैं, 32,000 बोल रहा है, बुरी डील नहीं है हम लोगों के लिए। तो इसको ना मैं बोलता हूँ 36,000, तो लेट्स गो 36,000 भाई बेच दी। मतलब कि $200,000 के लिए सिर्फ 1,000 नहीं $400 ही कम पड़ गए, नहीं तो $200,000 अराउंड हो जाते हैं। तो मैं ना भाई अभी एकदम खुश हूँ, पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक और कार ली जाए। और अभी मैं आया हूँ गाइस कार मार्केट, तो फिर अराउंड मेरे को पूरे मेरे $200,000 चाहिए, तो मैं एक और कार उठाने वाला हूँ। और यहाँ पर दो दो मर्सिडीज जी वैगन आ रखी है और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कार आ चुकी है, बट मेरे को इतनी कुछ तगड़ी कार दिखी नहीं। अभी लैम्बोर्गिनी भाई, मतलब सोच लो ये गाड़ी अगर मेरे पास आ गई तो मैं ड्रैग रेस का भाई बादशाह बन जाऊंगा। ये कितने के भाई $16 करोड़ की बंदा गाड़ी दे रहा है, बट ये अपने बजट की नहीं है। मेरे को यहाँ से भाई ये लैम्बोर्गिनी दूसरी वाली भी आई है, एकदम ओल्ड वाली नहीं है, न्यू वाली मॉडल वाली, बट ये भी महंगी ही मिल रही है भाई। कितने सारे मस्त मस्त कार है यहाँ पर, बट ये वेट ऑडी की है ना, ये शायद से ऑडी RS5 है भाई। ये मेरी फेवरेट कार है, मतलब ये सुपर कार जैसी है, इसकी स्पीड भी बहुत बढ़िया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस गाड़ी को ना हम लोग बाय कर ही लेते हैं, इससे बार्गेनिंग करवाता हूँ मैं, और इस गाड़ी को ना भाई मैं ले लेता हूँ, इसको बेच दे के, और बहुत ज़्यादा ही फिर पैसे हो जाएंगे हम लोगों के पास। तो ये बंदा ना मान नहीं रहा है शायद से, मैं ना 66,000 बोलता हूँ इसको, बट तभी भी नहीं मान रहा भाई, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज है, इसको 67,000 बोलता है। नहीं मान रहा, छोड़ो इसमें इतनी ही मैं ले लेते हैं। अभी मैं इसको रिपेयर करवा के ना, मतलब इसको मैं कितनी परसेंट डैमेज है 46, तो इसको ना मैं अभी टॉ करवा लेता हूँ और यहाँ से एक और बढ़िया सी कार उठा। तो चलो यहाँ से मैं एक फेब्रो और जो ऑडी लेके आया था, तो मैं ऑडी का जो रेट है वो तो ज़्यादा ही रखने वाला हूँ। ऑडी का रेट हम लोग रखने वाले हैं 1,20,000, तो भाई इनफ है ये प्राइस। और जो हम लोगों ने फोर्ड फेब्रो लिया है, इसका प्राइस मैं डालने वाला हूँ, इसका प्राइस हम लोग 22,000 रखते हैं, बहुत हो जाएगा। तो फटाफट इस गाड़ी को भी मैं अभी सेलिंग में लगा देता हूँ, और फटाफट ये दोनों भी गाड़ी हम लोग रेट भाई ऑडी के लिए तो कस्टमर भी आ चुके हैं, तो फटाफट इतने प्राइस में नहीं, इतने प्राइस में नहीं, छोड़ो इतने ही प्राइस में मैं इस गाड़ी को बेच देता हूँ। 2,00,000 के ऊपर तो ऐसे ही पैसे हो गए, और तू 17,000 बोल रहा है ना भाई, तो तू एक काम कर, तू ना $19,000 में ये गाड़ी ले जा, तेरा भी कुछ नुकसान नहीं, मेरा भी नहीं। और भाई चलो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कमाई कर ली, मतलब $2,44,000 की कमाई कर ली है। और मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलो गाइस गुड बाय।